देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोरोना वायरस का असर तेजी से बढ़ते जा रहा है। इस वायरस ने चीन के साथ साथ और देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं इस वायरस की शुरुआत वुहान शहर से शुरू होकर और देशों तक पहुंच गई है। चीन में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच चुकी है। वहीं वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 2300 पहुँचने की आशंका जताई जा रही है, जहां इसे लेकर सब देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इस भारत में भी इस वायरस का दस्तक देखने को मिल रही है। चीन के तेजिंग से पढ़ाई कर लौटी छात्रा के अंदर कोरोना वायरस के लक्षण मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कहना है कि छात्र एकता कुमारी को एहतियातन ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। वहीं उसे किसी तरह की दिक्कत वाली बात सामने नहीं आई है। हालांकि उसकी विस्तृत जाँच के लिए पटना के PMCH ले जाया जा रहा है। आपको बता दें, शांति नगर की रहने वाली एकता कुमारी तेंजिंग प्रांत से रिसर्च की पढ़ाई कर लौट रही थी और हाल ही में वहां कोरोना वायरस की खबरों के बाद इसी बीच वह वापस इंडिया लौटी। वहीं कोलकाता में विमान से उतरने के बाद एकता को छपरा पहुंच हल्का सा बुखार महसूस हुआ, जिसके बाद चिकित्सकों की जानकारी ने ये बात आई कि उसे छपरा सदर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। वहीं एकता को अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, क्योंकि छपरा में कोरोना वायरस से संबंधित जांच की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसे सोमवार को पटना के PMCH भेजा जाएगा, जहां उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। वहीं खबरों के अनुसार जयपुर में भी कोरोना वायरस की संदिग्ध मिलने पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर राजस्थान के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की। भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कोरोना वायरस की संभावना है उसके बारे में आगाह किया गया और क्या क्या स्टेप्स दिए जाने हैं उसके बारे में निर्देश दिए गए, उसकी पालन की जाए। जिसके बाद सामने आया कि 18 लोग चीन से लौटे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का संदिग्ध पाया गया, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है और सैंपल की जांच के लिए पुणे भेज दी गई है। नहीं, हमारे पास 18 लोगों की सूची आई थी जो चाइना के वुहान प्रोविंस से इन्होंने ट्रैवल किया है। इसमें से एक व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स थे, उसको आइसोलेशन वार्ड में SMS में रखा गया है, देखिए वो बिल्कुल स्टेबल है, हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है, तो सारी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराए सब नॉर्मल है, नॉर्मल पैरामीटर्स है। और इसको वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका इन्वेस्टिगेट किया कर रहे हैं, सैंपल उसको ले लिए, सैंपल हमने पुनः वायरोलॉजी लैब में हमको भेज दिया। वहीं बताया जा रहा है कि सभी लोग राजस्थान के अलग अलग 4 जिलों के हैं और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है जो कि संक्रमण की जांच करेगी। चीन के इस कोरोना वायरस ने अमेरिका सहित कई देशों को लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं हर देश इससे निपटने की कोशिश में लगा हुआ है। स्पेशल डेस्क से सिटीजन वॉइस की रिपोर्ट।